आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजू जहांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। हर बार की तरह इस बार हम फिर से मुखातिब हैं आप लोगों के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेके, लेकिन इस बार 5 और 6 महीने के गैप के बाद में आपसे रूबरू हो रहे हैं। लास्ट टाइम भी आपको लॉकडाउन के बाद में एक फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस जानने का मौका मिला था। इसी कार्य को निरंतर करते हुए हम आज फिर से एक फ्रेंचाइजी के साथ आपको रूबरू करवाने वाले हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है DMIT मिड ब्रेन डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप, इसकी फ्रेंचाइजी का उन्होंने कहाँ से पता किया। यूट्यूब जब उन्होंने हमारा वीडियो देखा, वीडियो देख के उनके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस आया इस प्रोजेक्ट को लेके, कितनी पूछताछ करने के बाद में वो टीम 360 से मिले, और जब यहाँ पे आके 2 दिन का प्रॉपर उन्होंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और वो यहाँ से किस विजन के साथ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपकी एक शख्स से मुलाकात करवाना चाहूँगी, हमारी कंपनी की चेयरपर्सन मिसेस सरोज शर्मा जी से। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले टीम 360 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी उन्हें। सरोज मैम, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इतना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं तो हमारे दर्शकों को 2 शब्द कहें। सरोज मैम, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप इतना कीमती समय निकाल के यहाँ आई हैं तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को 2 शब्द कहें। थैंक यू अंजू मैम, मेरी तरफ से आप सभी को आज के इस जन्मदिवस पर मेरे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी तरफ से बहुत आपने अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखा है, इसके लिए मैं आप सभी का और जो नए मेहमान जो नए मेंबर अभी आए हैं वो भी हमारी 360 टीम के मेंबर ही हो गए, परिवार में हो गए, इसके लिए आप सभी का मैं आपका हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। चलिए आगे बढ़ते हुए अब मुलाकात करते हैं कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर NK शर्मा जी से, जो कि काफ़ी सालों से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही में स्कूल में प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनका एक्सपीरियंस, साथ ही हमारी IV फ्रेंचाइजी को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू अंजू मैम। सबसे पहले तो मैं हमारे चेयरपर्सन सरोज मैडम का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ कि आज इनका जन्मदिन है, और आप अपना आशीर्वाद कंपनी के सदस्यों पे और हमारे सारे फ्रेंचाइजी पे इसी तरह से हमेशा बनाए रखेंगी, ये हम उनसे हम कामना करते हैं। और मैं इस कंपनी से लगभग पिछले 6 वर्षों से जुड़ा हूँ। जब सबसे पहले हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था, विनिसर विपुल सर आए थे, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। हमारे करीब 290 से ऊपर बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, उससे इन्फ्लुएंस होके मैंने भी तय किया कि मैं आगे इनके साथ जुड़ जाऊंगा, और मुझे बहुत खुशी है कि 6 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हूं। देवकर्ण जी और त्रिलोक जी यहाँ ट्रेनिंग लिए इन्होंने, और अच्छी बात है कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है अगर DMIT रिपोर्ट से सही पता लग जाए तो उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनको पढ़ाई का बर्डन नहीं रहेगा, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों इस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करते हुए बच्चों का भविष्य संवारेंगे, और ऑफ कोर्स आर्थिक लाभ भी इनको होना ही है, और हमें यही उम्मीद है कि आगे भी ये अपने क्षेत्र में बाकी लोगों को जोड़ेंगे, और जितना हमसे बन पड़ेगा हम इनको ज़रूर सहायता करेंगे, और हमारी ऑनलाइन मदद भी रहेगी इनके साथ में। और यही उम्मीद करता हूँ कि दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहे, और हमारी कंपनी का लक्ष्य यही है कि समाज का कैसे उत्थान किया जाए, स्पेशली बच्चों का कैसे किया जाए। वैसे तो DMIT 1 साल से लेकर 100 साल तक के किसी की भी हो सकती है, लेकिन विशेष तौर से बच्चों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो यही उम्मीद है कि आगे भी इसमें काफ़ी तरक्की होगी। थैंक यू सो मच NK सर। चलिए अब मुलाकात करते हैं हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी से। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, और साथ ही मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगी कि इस कोरोना के समय में उन्होंने ये डिसीज़न लिया, जहाँ पे लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं, उन्होंने बिजनेस एक नई शुरुआत करने का जो है कदम उठाया है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस कदम के लिए, और कंपनी आपके साथ हमेशा इसी तरह से जुड़ी रहेगी। तो देवकरण सर से मैं पूछना चाहूँगी, सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा टीम 360 से जुड़ के, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं जो डायरेक्टर मैम हैं जिनका आज बर्थडे है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस।
उसके बाद मैंने ये टीम 360 के बारे में यूट्यूब्स पे देखे, और यूट्यूब्स पे देखने के बाद भी जब मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई तो मैंने और भी कई जगह इसके बारे में मालूम किया। मालूम करने के बाद मुझे किसी जो एक मेरे ही मित्र हैं उन्होंने मुझे इनके बारे में बताया कि काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है टीम 360 का। उसके बाद भी मैंने यहाँ आके और काफ़ी नॉलेज ली, जानकारी प्राप्त करी इसके बारे में। जानकारी प्राप्त करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे टीम 360 की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सेक्रेटरी हूँ और साथ में सोशल वर्क भी करता हूँ, जिसके अंदर मेरा मेन पर्पस था कि मेरे विद्यालय के बच्चों को तो इसका बेनिफिट मिले ही, लेकिन जो सोशल वर्क मैं कर रहा हूँ उन बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ताकि वो बच्चे भी आगे चलकर इस देश का, इस राष्ट्र का नाम रोशन कर सकें, इस राष्ट्र का स्तंभ बन सकें और उनके माता पिता ने जो सपने संजोए थे वो पूरे कर सकें। इसी उद्देश्य से मैंने फ्रेंचाइजी ली। यहाँ फ्रेंचाइजी का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मुझे यहाँ नॉलेज मिली, और यहाँ जिन सभी लोगों ने, डॉक्टर एनके साहब, शर्मा साहब ने, और मैडम्स ने, विनय सर ने, सभी का बहुत अच्छा योगदान रहा, और जो भी मेरी डिफ़िकल्टीज़ थी उनको दूर करने का प्रयास किया, और आगे भी प्रॉमिस किया कि हम आपके साथ कंटिन्यू हैं और जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आप एक बहुत विज़न, अच्छे विज़न के साथ यहाँ से जा रहे हैं कि सोशल कंट्रीब्यूशन भी करना है। बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट तो हर किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी प्रोजेक्ट से कमाया जा सकता है, लेकिन सर आपको खुद को जो है उस चीज़ के लिए ऐसा गौरवान्वित होने का मौका मिले कि आपने समाज को कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो ये फील्ड, एजुकेशन फील्ड एकदम सही चुनी है आपने, और इसमें ज़रूर आपको प्रॉफिट भी होगा, इनकम भी होगी, और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन करने का एक बेहतरीन मौका भी मिलेगा। चलिए इन्हीं के साथ जो है एक और व्यक्ति मौजूद है जिनका नाम है तिलोक सर, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनका दो दिन का एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा रहा उनका टीम 360 से जुड़ के ये एक्सपीरियंस। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा, यूनिवर्सल स्कूल का डायरेक्टर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव के अंदर मुझे आपके आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ सभी लोगों ने मुझे ऐसा कोऑपरेट किया कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन करेंगे, जिससे मेरा विश्वास इनके ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। वास्तव में मैं कई जगह गया, मैंने और लोगों को भी देखा, और भी सेंटर में गया, लेकिन मुझे वहाँ कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे घर के जैसे, मेंबर के जैसे एक्सप्लेन किया गया, सभी लोगों का मुझे बहुत अधिक प्यार मिला, तो मैं इससे बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो इन लोगों ने मुझे एक्सप्लेन किया तो मुझे एक एक दिमाग में बैठ गई चीज़ें बहुत सी, और मैं चाहता हूँ, मुझे पता है इन्होंने प्रॉमिस किया है तो इसको निभाएंगे भी, और ये आगे भी इस तरह से मेरा सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब मुलाकात करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विपुल शर्मा जी से, और उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इस कोरोना के समय में बहुत से लोग घबराए हुए हैं किसी भी नए बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आप उन्हें, हमारे आईवी फ्रेंचाइजी और हमारे दर्शकों को मोटिवेशन दें कि किस तरह से वो इस समय से लड़ सकते हैं। सभी को मैं विपुल शर्मा का हार्दिक नमस्कार, और सबसे पहले तो मैं विपुल शर्मा टीम 360 की तरफ से हमारी चेयरपर्सन सरोज मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके जन्मदिवस के लिए, और ये हम उनसे जो है प्रार्थना करते हैं कि वो अपना ऐसा आशीर्वाद जो है हम पे सदैव बनाए रखें। अब बात करते हैं, चूंकि अंजू मैम ने मेरे को एक अजीब इस तरह का टॉपिक दिया है कि इस कोरोना के चैलेंज में हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, जो वो बात कहना चाह रहे थे मैं उसका जो अर्थ ले पाया हूँ कि इस कोरोना का जो सिचुएशन है कोविड-19 का, इसके अंदर हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू बिजनेस या आपके कोई भी प्रोफेशन है, क्योंकि आर्थिक जो चैलेंज है, जो समस्या है पूरे विश्व में, वो तो हम सभी को पता है हम फेस कर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ही टीम 360 एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आई है, जहाँ पर आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, हाथों को सैनिटाइज करना तो वैसे भी पड़ेगा, मैं नहीं बोलूँगा तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है, पूरा विश्व कह रहा है, तो भैया
तो धोएं, ठीक है, और हाथ धोते रहें, साथ के साथ में मास्क यूज करें, मुझे बोलना है इसलिए मैंने हटाया है, बाकी ये दो कार्यों के अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये तो रही मेडिकल ग्राउंड पे जब हम बात करते हैं कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हाथ रेगुलर बेसिस पे अपने धोते रहें, मास्क यूज करें, बट बात करते हैं बिजनेस की कि ये सारे कार्य तो ठीक है लेकिन जेब में पैसे नहीं आएंगे तो ये मास्क भी कैसे खरीदेंगे। इसलिए यहाँ पे टीम 360 आपके लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आई है जहाँ पे आपको घर बैठे ऑनलाइन ही जो है लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। अभी तक स्कूल प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से जो हम बात करते आए हैं वो फिजिकली हम वहाँ जाते थे, फिर उनसे बात करते, फिर उनसे रिक्वेस्ट करते, फिर वो हमारे यहाँ पे हमें मौका दिया जाता कि ठीक है आप एक लाइव डेमो करें स्कूल के अंदर, फिर बच्चों को वो प्रोजेक्ट हम समझाते, पेरेंट्स को इन्वाइट करते, फिर पेरेंट्स को वो सारी चीज़ समझाते, क्लास कंडक्ट करते, एक लंबा प्रोसेस है। हालांकि तीन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, स्कूल के बच्चों के आगे डेमो किया, पेरेंट्स के आगे डेमो किया और क्लास कंप्लीट की, लेकिन इस प्रोसेस में भी कई बार 5 दिन लग जाते हैं, 10 दिन लग जाता है, महीना भर लगता है। बिजनेस बहुत अच्छा मिलता है लेकिन ये प्रोसेस, यहाँ पे नो डाउट लॉकडाउन एक चैलेंज बनकर आया है लेकिन हमारे लिए कई बार क्या है कुछ चीज़ें अवसर के रूप में भी आती है। ऐसे अवसर किस तरह से, देखिए अब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर साहब स्वयं ही नहीं बुलाएंगे आपको, तो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई कि आप टेलीफोनिकली उनको चीज़ समझा सकते हैं और साथ में रेगुलर बेसिस पे हम जूम ऐप के ऊपर जो है हमारे प्रोग्राम करते हैं, आप उस जूम ऐप पे आ जाएं और वो हमारे रेगुलर बेसिस पे आपको लिंक मिलेंगे। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं दर्शक, और जो हमारी ये फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए भी ये मेरा जो है अनुभव मैं अपना शेयर कर रहा हूं उनके साथ में कि आप लोगों को जूम ऐप का उपयोग करना है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, आईटी का टाइम, इस ऐप को यूज करें, इस जैसी और ऐप है, गूगल डू है, बहुत सारे हैं, आप उनसे कनेक्ट होइए और सारे प्रिंसिपल्स डायरेक्टर्स उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर इन्वाइट कर सकते हैं। अननेसेसरी 10 स्कूल में जाएंगे कितना टाइम लगेगा, ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बैठे बैठे सबको एड्रेस कर सकते हैं, सारी चीज समझा सकते हैं। मैं स्कूल में जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा सर चले जाएंगे, एक बच्चा डेमोस्ट्रेशन के लिए जाएगा, लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे कंपनी के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे और ये आपके साथ भी हो सकता है। और जब आप ये सारी चीज करेंगे उन प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को प्रोग्राम समझ में आएगा, वही वो चीज आगे जो है डुप्लीकेट कर दे आगे पेरेंट्स में। आजकल सबके पास जो है मोबाइल है, व्हाट्सएप है, वो उस पर जो है कम्युनिकेट कर दे ताकि पेरेंट्स आ जाएं और उस प्रोग्राम को अटेंड करें, अपने आप आपका बैठे बैठे घर बैठे बिजनेस होगा। इतना शानदार प्रोजेक्ट हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, DMIT पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन तो ऑलरेडी इतने सालों से कर रहे हैं, अभी मेमोरी एनहांसमेंट का प्रोग्राम ले आए जिसके बाद बच्चा पेज नंबर से ही पूरी बुक को याद कर सकता है। एक होता है बोलना और एक कर देना, हमने कर दिया, मैं स्वयं भी करवाता हूं, विनीत सर भी करवाते हैं, इसलिए हम ये डंके की चोट पे कहते हैं कि हां ये किया जा सकता है, आपको इसका उपयोग करना है तो घर बैठे ही आप बच्चों को तैयार कर सकते हैं और आपको बैठे-बैठे बिजनेस मिल सकता है। लेकिन जितने भी ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं और जो फ्रेंचाइजीज आई है उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि देखिए फ्रेंचाइजी लेते ही नहीं कूद पड़ना है, ठीक है, एक महीने का आप सभी से गुजारिश है, प्रार्थना है, वैसे भी लॉकडाउन का चैलेंज है उसका लाभ उठा लो, एक महीने तक इसकी प्रैक्टिस करो, बगैर प्रैक्टिस के मार्केट में मत कूदिए, नुकसान होना ही होना है। आप बगैर प्रैक्टिस के जाएंगे, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं हुई, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हुई, इंग्लिश में भी मात खा सकते हैं, हिंदी में भी मात खा सकते हैं, अभ्यास नहीं है ना, हिंदी भी हम पूरी क्लियर उस तरह से नहीं बोलते, इंग्लिश भी वैसे नहीं बोलते, वहां पे चूक हो जाएगी, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, वेल अप टू डेट होकर जाना, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके हमारा प्रोग्राम से वीडियोस आप देखें जिसमें हमने सारी चीज कवर की है, स्पीकिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको क्या पहनना है, कैसे बात करना है, कैसे चलना है, हर चीज उसमें कवर की है। एक महीने इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद वहां जाके आप उसको अप्लाई करें और साथ में लास्ट में एक एग्जांपल के साथ मैं अपनी चीज को जो है यहां पे अपनी बात को विराम दूंगा। देखिए ओलंपिक में 4 साल में एक बार ओलंपिक होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि ओलंपिक में जो प्लेयर सेलेक्ट हो गए होंगे वो चौथे साल शुरू करेंगे या एक महीने बाद भाई साहब ओलंपिक होने वाले मैं प्रैक्टिस चालू कर दूंगा, वो रिग्रेस ट्रेनिंग 4 साल तक लगातार करते हैं क्योंकि वो उन्हें 2 या 4 सेकंड मिलेंगे, 1 मिनट मिलेगा जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए वो 4 साल जीते हैं, उसको पूरा जुत जाते हैं, सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खाते पीते दिन में दिमाग में हर जगह वो चीज चलती है, तब जाके वो 1 मिनट के अंदर बेस्ट परफॉर्म करते हैं और गोल्ड जीतते हैं, ब्रॉन्ज जीतते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। तो भैया वो 4 साल देते हैं, हम 1 महीना तो दे सकते हैं, अगर वैसा परफेक्शन वैसा रिजल्ट चाहिए
ओलंपिक वाले लोग बच्चे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है कितना नाम होता है, वो नाम चाहिए, वैसा पैसा चाहिए, वैसा तारीफ चाहिए, तो भैया वैसा हमारे को परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा। तो पहले उतनी प्रैक्टिस करके फिर मार्केट में कूदें तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट रहेगा। और अंत में जो है सभी फ्रेंचाइजीज को, डायरेक्टर मैम को, टीम 360 के सभी सदस्यों को, जितने भी लोग ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच विपुल सर। चलिए अब मुलाकात करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से प्रियंका शर्मा जी से, और इनसे जानते हैं कि हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को ये क्या मैसेज देना चाहती हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका शर्मा, मेंबर मैनेजिंग कमेटी वेलकम्स यू इन आवर यूट्यूब चैनल 360। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट आ डायरेक्टर मैम बिकॉज ऑन हर बर्थडे मे ऑल योर ड्रीम्स कम फुलफिल, योर ऑल डिज़ायर कम फुलफिल। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस आर न्यू प्रोग्राम कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स, बिकॉज due to lockdown people, many people are facing unemployment, lacking of money. This is very unique program, this is very useful program for franchises, for people who are searching for many types of work. So please come and join us, because this is very unique program for you, your child and your society and our country. So please come and join us. Again, I would like to congratulate and welcome our new family member, like in our team, Abhilasha and Madhu. Please join us and please do work for us and yourself and our country. Thank you. Thank you so much, Priyanka ma'am. अब मुलाकात करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से अनु शर्मा जी से, और आइए उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस और वो हमारी फ्रेंचाइजीज और हमारे नए टीम मेंबर्स को क्या कहना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अनु शर्मा टीम 360 से आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारी चेयरमैन सरोज मैम को हैव जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, और सेकंड जो हमारी न्यू मेंबर उनका वेलकम करना चाहती हूँ जो हमारी टीम 360 में आज आए हैं, और जो फ्रेंचाइजी मेंबर जो आज हमसे फ्रेंचाइजी लेके गए हैं उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इस कोरोना काल में हम जानते हैं कि लाखों लोगों का बिज़नेस ठप हो गया है, बहुत लोग लाखों हजारों लोगों की नौकरियां ठप हो गई है, लोगों की नौकरियां चली गई है, तो इन वो अपने नए करियर की शुरू मतलब खोज में है, नए करियर का शुरुआत करना चाहते हैं, नया बिज़नेस ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है कि टीम 360 से फ्रेंचाइजी लीजिए। इतनी कम फीस देके आप कई गुना ज़्यादा इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट, सबसे पहले बेनिफिट हमारी जो आज फ्रेंचाइजी आई हैं उन्होंने उठाया है। आई होप आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और टीम 360 से मैं आपको यही श्योरिटी देती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, आप बेझिझक हमें कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनु मैम। चलिए अब मुलाकात करते हैं कंपनी की एमडी अंजलि अजाड़ीवाल जी से, और जानते हैं कि वो हमारी आई वी फ्रेंचाइजी को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अंजलि अजाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360। हमारी आज की फ्रेंचाइजी देवकरण जी और उनके सहपाठी, मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगी कि आपने इस कोरोना जैसा माहौल में, लॉकडाउन के समय में भी आपने टीम 360 से जुड़ने का साहस उठाया, और दो दिन की बहुत ही उमंग और उल्लास के साथ में आपने ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लिया। अब आप यहाँ से जाने वाले हैं, तो जाते जाते मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति का यही सवाल रहता है कि टीम 360 इतनी सक्सेसफुल क्यों है, तो उसका मैं राज आपको ये बताना चाहूँगी। टीम 360 ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है, और विजन डॉक्यूमेंट के आधार पे ही टीम 360 काम करती है। तो आपसे भी मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप भी यहाँ से जाने वाले हैं तो अपना एक विजन ज़रूर बनाएं, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही विजन बनाएं। मुझे क्या करना है, सबसे पहले किन लोगों को मुझे DMIT मिडबेन के बारे में बताना है, कितने बच्चों को मुझे DMIT मिडबेन की ट्रेनिंग देनी है, और कितने लोगों तक मेरे को ये कॉन्सेप्ट की जानकारी पहुंचानी है। छोटा सा विजन बना के और उसी विजन के साथ में आप काम करिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। साथ ही में टीम 360 ने जो आपको कहा है कि आफ्टर सेल सर्विसेज, जैसा कि कहा जाता है कि टीम 360 की तरफ से आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी
बेफिक्र रहिए कि जो सपोर्ट आपको कंपनी से चाहिए, जिस तरह का, चाहे वो टेक्निकल हो या कोई भी किसी भी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कंपनी में कॉल करके कंफर्मेशन करके और अपनी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और आपको जो है आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। साथ ही में हमारी कंपनी की चेयरपर्सन भी यहाँ पे मौजूद है, सरोज मैम, उन्हें भी मैं जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे साथ यहाँ आते रहें, हमें संभालते रहें और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। साथ ही में हमारी जो दो गर्ल्स आज जिन्होंने न्यू टीम मेम्बर जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, उन्हें भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि इसी तरह टीम 360 के साथ आगे बढ़े और जुड़े रहे। थैंक यू। चलिए अब मुलाकात करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से, मिस्टर विनीत शर्मा जी से, और उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि वो भी हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी और हमारे देख रहे दर्शकों को एक मैसेज दें। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैडम ने बताया, मेरा नाम विनीत शर्मा है और मैं इस कंपनी में डायरेक्टर के पद पे हूँ। अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले, हमारे साथ में जो चेयरपर्सन मैडम मौजूद हैं, जो कभी कभी आपको वीडियो में दिखाई देते हैं, आज उनका जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में जो है मैं इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और पूरी टीम की तरफ से मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और साथ में हमारे साथ में एक शख्सियत और बैठी है जो हिंदी में वैसे बोला जाए तो संरक्षक और इंग्लिश के अंदर पैटर्न है, तो संरक्षक यानी पूरी कंपनी को संभाले रख रखा है और मैडम और सर के आशीर्वाद से हम लोग बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं। और ना केवल हम लोग बल्कि हम लोगों के साथ में जितनी टीम मेंबर जुड़े हुए हैं लगभग 588 और आज एक पर्सन और जुड़ गए हैं, तो आप लगभग 590 फ्रेंचाइजीज मान सकते हैं। सभी लोग पूरे देश के अंदर और देश से बाहर हैं सभी लोग, और यहाँ से सब लोग जो हैं बोलते हैं ट्रांसफार्मर से जो करंट ट्रांसफ़र होता है वो यहाँ से सबको ट्रांसफ़र होता है और उसके जो मेन है उस ट्रांसफ़र के अंदर ट्रांसफार्मर में जो करंट लगा हुआ है हमारे को यहाँ से मिलता है दोनों जनों से, तो हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। अब जैसा कि मैसेज की बात कही तो मैं आपको दो या तीन बातें मैं अपनी मैसेज बताना चाहूँगा। मैं हर बार बोलता हूँ जितनी फ्रेंचाइजीज यहाँ पर आती हैं सब लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, अरे इतना सिंपल काम था, बहुत अच्छे से हो गया, फिंगरप्रिंट भी लेना बहुत आसान है, हमने फिंगरप्रिंट भी ले लिया, रिपोर्ट भी जनरेट कर लेंगे, काउंसलिंग भी कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ सारे लोग एक्सपर्ट है इसलिए वो बहुत अपने कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ बताते हैं और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो सामने वाले के अंदर भर देते हैं और हम उनका कॉन्फिडेंस उधार लेके एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर हम लोगों को लगता है हम काम बहुत बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है जो यहाँ पर फ्रेंचाइजी लेके जाते हैं उन लोगों से और जो इस वीडियो के जरिए जो बात सुन रहे हैं कि आप यहाँ से जाने के बाद में एटलीस्ट 10-12 लोगों के फिंगरप्रिंट लें, लेना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। फिंगरप्रिंट लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप रिपोर्ट बनाएंगे तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ पूछ सकते हो ताकि आप पूछने से चीज़ क्लियर होती है। उसके बाद आप काउंसलिंग करें, डर लग रहा है काउंसलिंग करने में दिक्कत आ रही है, यहाँ पर हेल्प ले लो, काउंसलिंग का ऑडियो चाहिए हमसे ले लो, काउंसलिंग करनी है किसी की हमसे करवा लो, आपको सुननी है काउंसलिंग आप कर लो, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस में आ जाए। जब तक DMIT सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी आपके मुँह से निकलेगी नहीं तब तक ये कंसेप्ट आपका अपना नहीं होगा, पराया रहेगा। ये जैसे इंग्लिश कितने लोग कम बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश पराई लैंग्वेज है हमारी अपनी नहीं, और हिंदी हम कितनी फ्लुएंटली बोलते जाते हैं, तो ये हमारे को DMIT कंसेप्ट को आत्मसात करना पड़ेगा और उसका तरीका है प्रैक्टिस। जैसा कि विपुल सर ने बताया कि प्रैक्टिस मस्ट है, 4 साल ओलंपिक में प्रैक्टिस करने के बाद 2 से 3 सेकंड की अगर देरी हो जाए तो पर्सन हार जाता है। और हमारे पास में जो एक ब्लेसिंग भी मान सकते हैं अगर पॉजिटिव साइड देखें तो लॉकडाउन को, कि हमारे पास में अवसर आया है कि हम लोग इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ताकि जब लॉकडाउन हटेगा, स्कूल्स खुलेंगी, कोचिंग सेंटर खुलेगा, ओपन सेमिनार करने के लिए जगह जो है अवेलेबल होगी सरकार की तरफ से, जब सारी चीज़ें खुलेगी तो हम इस मुहिम को और तेज़ी से कर सकते हैं। लेकिन उस समय जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, तो अभी हमारे पास प्रैक्टिस करने का समय, हम अपनी जो इसे बोलते हैं शार्पन द सा, हम लोग अपनी कुल्हाड़ी या अपनी दिमाग रूपी जो ताकत है उसको शार्प कर सकते हैं। अभी मैं एक आप लोगों को बात कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर सीखने के बाद अपने एरिया में जाएंगे, काम स्टार्ट करेंगे, सब कुछ है। आज तक आप सब लोगों ने यह सुना होगा या जितने लोग वीडियो के जरिए सुन रहे हैं वो लोग ये सुनते होंगे कि DMIT तो यार ऑनलाइन होता नहीं है, DMIT तो सामने बैठा के फिंगरप्रिंट लेने पड़ते हैं, क्लास भी जो है वो सामने बच्चे आएंगे तो मैं क्लास कर पाऊंगा,
तो अब तो लॉकडाउन हो गया, अब तो सब खत्म है, अब क्या कुछ हो नहीं सकता, फ्रेंचाइजी लेने की क्या जरूरत है, बाद में फिर कभी देख लेंगे, 1,20,000 हमारे तो बच गए, ऐसा मन में भावनाएं आने लगती है। क्या है, मन कई चीजें बताता है कि अब 1,20,000 बचाने के रस्ते क्या, ऊपर से लॉकडाउन आ गया। तो मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूंगा और इस चीज के लिए मैं गौरवान्वित और हमें कंपनी की तरफ से प्राउड फील करते हैं कि केवल मात्र हमारी एक कंपनी है जो ऑनलाइन फिंगरप्रिंट ले सकती है बिना स्कैनर के। ये टेक्निक आपको यहाँ सिखाई जाती है। तो आपके पास में एक और ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप राजस्थान में बैठे हैं और छत्तीसगढ़ के, पंजाब के, हरियाणा के, कहीं के भी किसी पर्सन के फिंगरप्रिंट लेना चाहते हैं और उसके पास स्कैनर तो जाहिर सी बात होगा नहीं, तो फिंगरप्रिंट कैसे लेंगे, तो तरीका आपको यहाँ सिखाया जाता है ताकि आप यहाँ बैठे किसी के भी फिंगरप्रिंट ऑनलाइन मंगा सकते हैं, रिपोर्ट की काउंसलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं। तो ये आपके पास सुनहरा अवसर है। तो अपन को ये कहने का मौका खत्म हो जाता है कि अब तो लॉकडाउन हो गया, आप किस लिए काम स्टार्ट करना है, आप ऑनलाइन क्लास करा सकते हो मिडब्रेन की भी। अब मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा, छोटा तो नहीं है, आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। और आप ये देखिए कि पूरे विश्व के अंदर आपके पास अभी ऑनलाइन सेटअप जमाने का इतना जबरदस्त अवसर है कि अगर आप ऑनलाइन चलते हैं तो जरा देखिए कि लॉकडाउन नहीं था तब हमें स्कूल जाना पड़ता था और हम गिनती के एक दिन के अंदर 2 से 3 स्कूल टच कर पाते हैं, या कोचिंग सेंटर जाना है तो उस दिन मूड बनाते हैं कि आज कोचिंग सेंटर जाएंगे। मैं सभी फ्रेंचाइजीज को ये ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि आप सारे लोग देखिए 1 या 2 स्कूल में जाएंगे, फ़ोन पे बात कर लेंगे, लेकिन सेमिनार के लिए तो जाना ही पड़ता है। लेकिन अभी विपुल सर ने जो चीज़ बताई उसी में मैं एक बात और जोड़ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ऐसा एक मंच तैयार किया है जिसके ऊपर आप सारे स्कूल के प्रिंसिपल को ऐड करके यहीं से एक ही जगह से सेमिनार कर सकते हैं और पूरे विश्व के अंदर सभी लोग ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा इस तरफ कि आप ये देखिए कि पूरे भारत के अंदर 7 से 8 करोड़ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और सारे लोग लॉकडाउन की वजह से कोचिंग सेंटर बंद है, स्कूल बंद है, तो सब घर पे बैठे हैं और सब इस इंतजार में कोई ऐसा ऑप्शन मिले ताकि हम लोग इस कोर्स को तो कर सकें। हमारे जो कंपटीशन एग्जाम में जो बुक्स पढ़ाई जाती है, चाहे वो ल्यूसेंट की जीके की बुक हो या रीजनिंग की हो या कोई भी चीज़ हो, जो उस एग्जाम के सब्जेक्ट हैं वो सारे पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है, जो तो बंद हो गए, तो क्या करें। तो आपके पास में 7 से 8 करोड़ बच्चों को टच करने का एक जबरदस्त मार्केट है जो आप ऑनलाइन के जरिए एक ही जगह बैठ से कर सकते हो। लेकिन ये लॉकडाउन से पहले 7-8 करोड़ बच्चों को टच करना एक सपना सा लग रहा था कि इतने लोगों कहाँ करेंगे, हम लोग खुद नहीं कर पाए, 9 साल के अंदर इतनी जनता को टच करना मुश्किल है। लेकिन ये सभी लोग अभी इस इंतजार में और अपने फेवर में। तो अगर अपन डिजिटल मार्केटिंग का और ऑनलाइन जो कोर्सेज यहाँ पे सिखाते हैं, जैसे डायनेमिक मेमोरी का प्रियंका मैडम ने, विपुल सर ने बताया कि हम लोग कर चुके हैं, इस प्रोग्राम को अगर आप सीख लेते हैं और जबरदस्त उस पर कमांड हासिल करते हैं तो इन सभी बच्चों को इस कोर्स की नीड है। और जिसको भूख है उसको रोटी खिला दोगे तो आपका काम हो गया ना, वो दुआएं देगा। और जिस व्यक्ति को यहां कोर्स करा दोगे और उसके नंबर अगर 1% भी ज्यादा आते हैं तो अगर वो एग्जाम में पास हो जाता है तो आपके तो वो दुआ तो देगा ही, लेकिन उसकी लाइफ बन जाएगी। तो अगर आप उसकी लाइफ बनाने में कहीं भी योगदान दे सकते हैं और एक जरिया बन सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त काम हो सकता है। इसी मुहिम के साथ हम लोग टीम 360 जो है एक कदम से कदम आगे बढ़ा रही है, चलती जा रही है, उसमें आप सभी लोगों का सहयोग सादर प्रार्थनीय है। मैं सभी फ्रेंचाइजी से आह्वान करता हूं कि अभी सब लोग जबरदस्त डिटर्मिनेशन के साथ में काम करें। और मैं आपको लास्ट में अपनी बात को विराम देने की तरफ हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँगा, डिटर्मिनेशन की वजह से आप एक चीज जबरदस्त देख सकेंगे कैसा क्यों है कि हम लोग इतने डिटरमिंड होकर काम करते हैं। इसी वजह से आपको यूट्यूब पे हमारे 1100 वीडियो दिखते हैं, कहीं और तो नहीं दिखते। ऐसा क्यों है कि हम लोगों की स्कूल सेमिनार के वीडियो देखते हैं और तो कहीं नहीं दिखते। ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ से टीम मेंबर फ्रेंचाइजी की हेल्प के लिए स्कूल सेमिनार में जाता है और तो कहीं नहीं दिखते। ऐसा क्यों है कि हम ही लोग ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं और ऐसा क्यों है कि लॉकडाउन के अंदर हमारे पास ही आके लोग फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, चाहे मास्क लगाया हो या उतारा हो, लेकिन ट्रेनिंग यहाँ चल रही है। तो डिटर्मिनेशन की पावर है जिसको हम लोग जबरदस्त तरह से यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोगों ने मेरे को इतने ध्यान से सुना, उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सभी लोग जुड़े हैं, इन सभी टीम मेंबर के सपोर्ट से हम लोग क्लास को बहुत अच्छे से करवा पाते हैं। और अंत में हमारे साथ में जो 2 शख्स नए जुड़े हैं, मधु मैडम और अभिलाषा मैडम, मैं इन सभी लोगों का टीम 360 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप भी इस मुहिम में जुड़े और जितने ज्यादा मैक्सिमम लोगों को आपकी ऑनलाइन की जो स्किल है उससे बेनिफिट दे सकते हैं वो हमारे साथ जुड़कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनीत सर। अब आपका सब्र का बांध टूट चुका होगा क्योंकि आप एक शख्स का बहुत बेहतर सब्री से इंतज़ार करते हैं, जिनके मैसेज का इंतज़ार हमेशा हर व्यक्ति को रहता है। वापस से गए।
थैंक यू सो मच विनीत सर। चलिए अब मुलाकात करते हैं कंपनी के पैटर्न मिस्टर डीडी शर्मा सर से, जिनके मैसेज का अक्सर आप लोगों को इंतज़ार रहता है कि ये एक ऐसे शख्स है जो अपना ना सोच के हमारे बारे में, हमारे अमीर बनने के बारे में जो है सोचते हैं और एक नया विज़न हमें देते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आज भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें एक मैसेज दें। मैं डीडी शर्मा, पैटर्न टीम 360। मैं अब आज चंद बातें ही कहूँगा क्योंकि मैंने अभी हमारी टीम के जोश जुनून को देखा कि हर व्यक्ति जो है भरपूर जोश के साथ बात कर रहा है और जोश है यही विजयी देता है, यही विजय देता है। सबसे पहले मैं सिर्फ तीन बातें कहूँगा। सबसे पहले तो आज जो फ्रेंचाइजी आई है यानी देवकरण जी और उनके साथ में त्रिलोक जी और तीन बच्चे आए हैं, उन सब का हम हार्दिक दिल से तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। दूसरी बात, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा सरोज मैम जो इस कंपनी की चेयरपर्सन है, उनका जन्मदिन है और उन्होंने सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। इसी तरह से आगे भी आशीर्वाद प्रदान करते रहें और वो स्वस्थ रहें, चिरायु रहें, हम इसकी ऐसी कल्पना और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तीसरी बात, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस कंपनी में करीबन हम 2012 से काम कर रहे हैं। 2012 से लेकर के यहाँ टीम मेंबर्स आए, फ्रेंचाइजियाँ बनी, करीबन 600 के आसपास फ्रेंचाइजी का आंकड़ा जा रहा है। अभी इन्होंने 590 के आसपास बताया, ठीक है, लगभग 600 के आसपास जा रहे हैं। हमने जहां इतनी फ्रेंचाइजीज खड़ी करी उनमें से अधिकांश लोग 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए प्रतिमाह कमा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन हम इसी बात तक सीमित नहीं रखते हैं अपने आप को। हमारे यहाँ जो टीम जुड़ती है, जो हमारे यहाँ टीम 360 में काम करते हैं, उन लोगों की पर्सनैलिटीज बने, हम लगातार इस बात का ध्यान रखते हैं कि चाहे वो हमारे यहाँ बाद में कहीं देश के किसी अन्य क्षेत्र में चला जाए काम करने के लिए, चाहे वो टीम 360 जुदा कहीं और काम करें, पर जब तक हमारे यहाँ रहता है हम उसकी पर्सनैलिटी में आमूलचूल परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति को हम यहाँ बोलना सिखाते हैं, हम DMIT की रिपोर्ट बनाना सिखाते हैं, जितने भी काम, यहाँ तक कि हम उनको कार चलाना तक सिखाते हैं। हमारे यहाँ जो भी कोई काम है कि इस काम की ज़रूरत है, अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, भाषा बोलना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, इसके अलावा आपस में फ्रेंडशिप डेवलप करना सिखाते हैं। ये ताकि हमारी जो टीम है वो सक्षम बने और फ्रेंचाइजीज की बेहतर तरीके से मदद कर सकें। तो मैं देवकरण जी को और त्रिलोक जी को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी टीम बिल्कुल मुस्तैद है और आपका सहयोग करने के लिए तत्पर है। आप अगर पसीना बहेंगे तो हमारी टीम आपके लिए खून बहाएगी, इसमें कोई पीछा रहने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी जी नहीं चुराएगा आपकी मदद करने से। आप आवाज़ दोगे, देखते के साथ में आपका समाधान जो है आपको बतलाया जाएगा, आपको सहयोग जो है प्रदान किया जाएगा। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने पिछले 8-10 साल से जब से हम काम कर रहे हैं, हमने बहुत मेहनत की, काफ़ी मेहनत की। खैर मेहनत बहुत लोग भी करते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमारी सुनी, आप लोगों की दुआएं रही और मुझे टीम की ओर से अमेरिका के अंदर डेटोना बीच में गोल्ड स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं चाहता हूँ कि हमारी सारी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो और हमारी टीम 360 में जॉब करने वाला हर व्यक्ति इसी तरह से मेरी तरह से सम्मानित हो। और इसके साथ में एक बात कह करके मैं विराम दूँ, ये सारी बातें अपन ने स्किल डेवलपमेंट से मुतल्लक करी, नेम और फेम के लिए की। अब एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने देश को वापिस से उसी स्तर पे, शिखर पे, जहाँ के कहते हैं विश्व गुरु हुआ करता था, उस विश्व गुरु के स्तर पर हम हमारे देश को वापस ले जाएं, उसके लिए पूरी टीम 360 प्रयत्नशील है। और साथ में एक बात इसके साथ कि हर हिंदुस्तानी को अमीर बनने का अधिकार है, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हम उसको दिलाने के अंदर जो है प्रयास
करते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि वित्तीय चेतना हर हिंदुस्तानी में जगाने की जरूरत है और उसके लिए हमने एक जन आंदोलन आरंभ किया है। एक मंत्र हमने लिया है श्रीयंत्र की मदद से, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी, इस नाम का ये मंत्र है। इस मंत्र के जरिए हमने जिन जिन को भी ये मंत्र की दीक्षा दी वो लोग अमीर से और अधिक अमीर बन रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर जा रहे हैं, बहुत अधिक पैसा कमा रहे हैं और वर्चस्व को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जहां आप हुनर सीखें वहां अपनी इस वित्तीय चेतना को अवश्य जगाएं, क्योंकि अगर वित्तीय चेतना नहीं जगेगी तो आप जिस स्तर पे पहले पैसा कमा रहे थे उसी स्तर पे कमाते रहोगे। आप चाहते हो पहले मैं 50,000 रुपये महीने कमा रहा था, अब मैं 5,00,000 कमाना चाहता हूं, तो फिर कृपा करके अगर 10 गुना कमाना चाहते हैं तो वित्तीय अपनी जो जागृति है चेतना की उसे भी कर लीजिए। और उसके लिए हमने एक मंत्र बताया और कई तरीके, हमारा जो आंदोलन है उस आंदोलन में हमने ज़्यादा कोई फीस नहीं रखी है, 5,100 रुपये में पूरा आजीवन उसको सदस्य बनाते हैं कि आजीवन हम आपके साथ सहयोग करते रहेंगे, आपको प्रेरित करते रहेंगे, मार्गदर्शन देंगे और साथ में श्रीयंत्र भी देंगे, साथ में आपको जो है अन्य प्रकार की आध्यात्मिक आशीर्वाद वगैरह है वो भी प्रदान कराएंगे और आप अपनी इस वित्तीय चेतना को जागृत करो ताकि हम एक सक्षम भारत, धनाढ्य भारत और प्रतिभावान भारत की बुनियाद को वापस खड़ी करें और इसमें सहयोग करके इसको सफल बनावें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डीडी सर। चलिए अब अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और मुलाकात करते हैं नई फ्रेंचाइजी के नए जोश के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।